सो डियर चिल्ड्रन, टुडे द टॉपिक विच वी विल कंटिन्यू. कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? रिवीजन. रिवीजन मतलब ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इनको दोबारा से रिवाइज करने लगे हैं, इनका रीकैप करेंगे. ठीक है, ताकि जिसको कोई डाउट है या आपने प्रीवियस क्लास नहीं लगाई हुई, आज आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, कल हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था स्पेशल नेम्स. ठीक है, स्पेशल नेम्स में हमने क्या सीखा था? दैट वी गिव अ स्पेशल नेम और अ स्पेसिफिक नेम टू अ पर्सन, टू अ प्लेस, टू एनिमल और अ थिंग. राइट, तो वही होते हैं स्पेशल नेम. जैसे माय नेम इज रमन, है ना, तो अभी सारी क्लास में से सिर्फ मेरा ही नाम रमन है. ठीक है, और अगर मन्नत है, देर इज ओनली वन मन्नत इन द क्लास. हरिति, देर इज ओनली वन हरिति इन द क्लास. सो ये क्या हो गए? स्पेसिफिक नेम्स जो हम पीपल को, पर्सन्स को देते हैं. ठीक है, सो सेम वे हम एनिमल्स के लिए भी नेम्स रख सकते हैं. जैसे हम पेट रखते हैं अपने घर पे, कोई अगर मैं सिर्फ एलिफेंट बोलूँ तो वो तो एक जानवर हो गया, है ना, एनिमल हो गया. बट अगर मैं उसी एलिफेंट को अप्पू नेम दे दूँ तो वो उसका स्पेसिफिक नेम हो गया. सिर्फ एक ही एलिफेंट का नाम अप्पू होगा. ठीक है, जो हमने कल भी किया था. सेम वे फ्लावर की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, बुक की एग्जाम्पल बताई थी, है ना. आपके पास कितनी बुक्स हैं, बट अगर मैं आपको बोलूंगी ब्रिंग योर मैरीगोल्ड बुक ऑफ इंग्लिश, तो आपको पता है मैम कौन सी बुक कह रहे हैं? एक स्पेसिफिक बुक बोल रहे हैं, तो आप वही बुक लेके आओगे, है ना. ऐसे ही प्लेसेस के लिए, ताजमहल इन आगरा कल हमने एग्जाम्पल की थी, आईफिल टावर ऑफ पेरिस, लंदन ब्रिज, गोल्डन टेम्पल. सो ये क्या है? प्लेसेस के स्पेसिफिक नेम्स. ठीक है, सो ये हो गए स्पेशल नेम्स. अब आपको थोड़ा सा रीकैप हो गया होगा कल हमने जो किया था. नाउ लुक हियर, टुडे इट्स योर टर्न टू रिप्लाई. अब आप मुझे आंसर देंगे थ्रू द चैट बॉक्स, एंड सब बच्चों का आंसर मुझे रिसीव होना चाहिए. ओके, आई एम लुकिंग इन द चैट बॉक्स नाउ. क्वेश्चन क्या पूछा है मैम ने? राइट एनी टू, आपने टू एग्जाम्पल्स देनी आगे फिर है मैडम। किस चीज की? नेमिंग वर्ड्स की. ठीक है, कॉमन नाउन्स की एंड स्पेशल नेम्स की. ठीक है, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो आप इनमें से किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, एनी टू एग्जाम्पल्स. पहले हम नेमिंग वर्ड करते हैं. चलो स्टार्ट करो, आप सब टू टू एग्जाम्पल्स लिखेंगे. वेरी गुड, मन्नत हैज ऑलरेडी रिटन काओ एंड बुक. हरगुन आपने एग्जाम्पल नहीं दिया बेटा, आपने मीनिंग बताया है. तेजवीर एंड सुखमनी, वेरी गुड. ठीक है तेजवीर, आपका आंसर भी. राम एंड प्रियांश. एनिमल्स, नो एनिमल्स नहीं होगा बेटा. मंकी ठीक है, लायन ठीक है, दृष्टि वेरी गुड, हृदय गोवा गुड, कार जसजोत सिंह शाबाश. ठीक है, आपको समझ आया ना? तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं. नितिका और हरिति ने कोई आंसर नहीं भेजा चैट बॉक्स में, है ना. नितिका तो बातें कर रही थी वैसे भी अभी जब मैम समझा रहे थे. सो आई हैव नॉट रिसीव्ड सम ऑफ द चिल्ड्रन आंसर्स. पेन पेंसिल, वेरी गुड प्रियांश. आगरा, दिल्ली, एलिफेंट, अग्रवाल ऑल्सो करेक्ट, डॉग, टाइगर, वुमन, गर्ल. यस, फादर के स्पेलिंग गलत हो गए एक बच्चे के. तो समझ आया? अब जब मैम ने नेमिंग वर्ड्स पूछे आपसे, तो आप किसी पर्सन का नाम दे सकते हो. आप अपना नाम भी लिख सकते थे, आप बॉय भी लिख सकते हो, आप गर्ल भी लिख सकते हो. ठीक है, या फिर आप प्लेस का नाम दे सकते थे, फगवाड़ा, जलंधर, लुधियाना दे सकते थे. किसी एनिमल का नाम लिख सकते थे, लायन, टाइगर, है ना, या आपके पेट का नाम लिख सकते थे. किसी थिंग के बारे में आप बुक लिख सकते थे, है ना, टेबल लिख सकते थे, स्टूडेंट, चेयर, कुछ भी लिख सकते थे इसमें. सो दिस वे जब हमने नेमिंग वर्ड्स किए, आपके अभी तक मैम को आंसर्स आ रहे हैं. वेरी गुड, ऑल ऑलमोस्ट सबने ठीक लिखा है. ये बे लिखा हरिति ने, हरिति, बे इज नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं होता ऐसा. बे, फैन, टेबल, मंकी, बर्ड, ऑल गुड, वेरी गुड. गुरनाज का आंसर भी मुझे समझ नहीं आया, इट्स ओनली अ बॉक्स यू आर सेंडिंग गुरनाज. सवरीन आई थिंक. चलिए अब मुझे बताओगे आप कॉमन नेम्स. कॉमन नेम्स क्या होते हैं? हरिति अनम्यूट करिए जरा. कॉमन नेम की एग्जाम्पल बताइए मुझे, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये तो हमने कल ही किया टॉपिक. हरिति माइक ऑन करो.
हाँ जी, कॉमन नेम्स की एग्जांपल बतानी है बेटा, क्या होते हैं कॉमन नेम? चलो पहले मुझे बताइए होते क्या हैं वो। हाँ जी, कल आपने क्लास लगाई थी अरिति? तो फिर ये तो हमने कल ही किया था, और अभी मैंने समझाया भी है आपको फिर से एग्जांपल्स देके, दैट मींस आप सुन भी नहीं रहे, अभी भी नहीं सुन रहे आप। कल आपने पढ़ा था चैप्टर स्पेशल नेम्स वाला बुक में से? मिला ही नहीं। तो आपने पूछा मैम से फोन करके या मैसेज करके? वेरी बैड, दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग, आप अभी भी पढ़ नहीं रहे हो। हाँ प्रणव, अनम्यूट प्रणव। हाँ जी प्रणव जी, आप बताइए कॉमन नेम्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो आप मुझे? नो, यू ऑल्सो डोंट नो। हु कैन एक्सप्लेन दिस? हु विल आंसर माई क्वेश्चन, वॉट आर कॉमन नेम्स? नो, मे आई जो बोल रहा है उसकी टर्न नहीं आती होती ना, जो चैट बॉक्स में लिखते हैं अपना नेम उनकी टर्न आती है। हु विल मैंशन द नेम इन द चैट बॉक्स? ओके, हरमन विल अनम्यूट। हरमन सिंह दुसांझ की आई डी से जो बच्चा है, हरमन। हाँ जी बताइए क्या होते हैं बेटा कॉमन नेम्स? कैट, डॉग। वेरी गुड। और कोई एग्जांपल, जैसे हरमन क्या है? हरमन एक बॉय है ना? तो हम अगर मैम बॉय बोलेंगे आपको या आपको गर्ल बोलेंगे तो वो क्या हो गया? कॉमन नेम। बट अगर मैं आपको नेम से बुलाऊंगी, हरमन, प्रणव। हाँ जी ओके बेटा, म्यूट करो अभी, थैंक यू। सो अगर मैं आपका नेम नेम बोलूंगी तब वो स्पेशल नेम बन जाएगा, समझ आया? जैसे बॉय, गर्ल, फ्लावर, बुक। मैं किसी पर्टिकुलर बुक की नेम तो नहीं बोल रही ना कि ईवीएस की बुक लेके आई है, ऐसे तो नहीं बोल रही मैम, है ना? ये सब जब मैं बोलूंगी तब वो हो जाते हैं कॉमन नेम। स्कूल का नाम कल आपको पिक्चर्स के साथ ये मैम ने बताया था कि स्कूल, अगर सिर्फ स्कूल बोल रही है मैम तब भी वो कॉमन नेम है। अगर मैम बोल रहे हैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, तब वो स्पेशल नेम बन जाता है, ठीक है? तो ये आप प्लीज ध्यान से पढ़िए बुक में से। प्रणव एंड वन मोर गर्ल जिसने आंसर नहीं दिया था अभी, हरिति, दैट मीन्स यू हैव नॉट स्टडीड। प्रणव आप अभी भी सुन नहीं रहे हो मैम क्या बोल रहे हैं, ही इज फाइटिंग विद समवन। नेक्स्ट है स्पेशल नेम्स। पुलिस मैन की एग्जाम्पल दिया है दिया ने, वेरी गुड। समरवीर, गंगा, ताजमहल, मन्नत, बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन। सुखवंत, ब्रह्मलीन, डॉग, आउल स्पेशल नेम नहीं हुए बेटा। मिस्टर गिल, वेरी गुड। रोहित का आर कैपिटल होना चाहिए था। डेली, गोल्डन टेम्पल, खानिश, इफ इट्स अ नेम के शुड बी कैपिटल। सो जब हम नेम बता रहे हैं किसी पर्सन का, प्लेस का, संडे, वेरी गुड एग्जाम्पल। आपको ये भी सिखाया था ना मैम ने कि एक बच्चे ने मेरा नाम लिखा है बट इट्स रमनजीत बेटा, ओके। टॉमी, लुधियाना, इंडिया गेट, मैरी गोल्ड, कुतुब मीनार। कुतुब इज फ्रॉम क्यू, नॉट फ्रॉम के। जनवरी, यस। नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेसेस, इन सबको जब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं देन वी से स्पेशल नेम्स, ठीक है? अब आपको क्लियर हुआ? इवन दिवाली, यस। कल जैसे ईद है, आपको मैम ने ये भी एग्जांपल दी थी, फेस्टिवल्स के नेम। SSDPS स्कूल, बिल्कुल ठीक है। रॉकी शुड बी विद कैपिटल आर। क्रिसमस, लंदन, वेरी गुड। सबने ठीक दी ऑलमोस्ट आंसर्स, आई एम हैप्पी। सो काफी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, देखा? जो साथ साथ पढ़ते हैं ना उनको फिर सोचना नहीं पड़ता, वो क्विकली आंसर्स दे ही जा रहे हैं वो बच्चे। चलो अब आप इधर देखो, लिटिल सिंगम, ओके गुड। इवन सन, सन गुरनाज ने लिखा है सन, बिल्कुल ठीक है। ये भी दिवाली है, डी कैपिटल से होना चाहिए था, हरमन। ओके सो अब आंसर्स देखेंगे, प्लीज पे अटेंशन नाउ, स्टॉप टाइपिंग। फर्स्ट है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड में आपको अगर याद होगा, इस बुक में आपके पास ये बुक है ना, सबके पास है ना, इंग्लिश की ग्रामर की बुक। इसी बुक में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था नेमिंग वर्ड्स का, सबसे पहला चैप्टर यही है इस बुक का, ठीक
ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कि जो नेम्स ऑफ प्लेसेस होते हैं, नेम्स ऑफ पीपल होते हैं, नेम ऑफ एनिमल्स होते हैं, समटाइम्स नेम्स ऑफ थिंग्स होते हैं, उनको हम नेमिंग वर्ड बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने एक पर्सन की एग्जांपल ले ली, जैसे कि रोहन, ठीक है, और सिटी, सिटी हो गया प्लेस के लिए, राइट। सो ये हो गए नेमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है कॉमन नेम्स। कॉमन नेम में हम उस चीज को स्पेसिफिक नाम नहीं देते, जैसे अगर रोहन को ही मैं लिखना चाहूँ तो रोहन को कॉमन नेम में कैसे लिखूंगी, बॉय, ठीक है। बट जब मैंने उसी बॉय को नेम दे दिया तब वो क्या बन गया, नेमिंग वर्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिटी लिखा है, अगर मैं सिटी की जगह लिख दूं जलंधर सिटी तब वो क्या बन जाएगा, स्पेशल नेम। बट अगर मैं सिर्फ सिटी लिख रही हूँ, हॉस्पिटल लिख रही हूँ, बुक लिख रही हूँ, फ्लावर लिख रही हूँ, स्कूल लिख रही हूँ, तब वो वर्ड्स हो जाएंगे कॉमन, जिसका हम कोई प्रॉपर नेम नहीं देते ना सबके लिए जब हम बात करते हैं। अगर मैं आप सबको बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आप क्या हो गए, कॉमन नेम। बट अगर मैं आपका नाम लेके आपको बुलाऊंगी, गुरसिफत, दिशिता, तब आप क्या बन जाओगे, स्पेशल नेम बन जाओगे। ठीक है, तो जहाँ पे हम कॉमन नेम्स यूज करते हैं, व्हेन वी डोंट यूज कैपिटल लेटर विद देम, उसके साथ हम कैपिटल यूज नहीं करते। ठीक है, यस, यहाँ पे हॉस्पिटल लिखा है, बट अगर मैं लिखूं फोर्टिस हॉस्पिटल, तब मैं हॉस्पिटल का नेम बताऊंगी आपको, फिर हम उसको कैपिटल से लिखेंगे और तब वो बन जाएगा स्पेशल नेम। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको ये बार बार अगर पढ़ लोगे ना, आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल ईजी, बहुत ईजी है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है स्पेशल नेम्स। अब स्पेशल, रोहन स्पेशल नेम है ना, क्योंकि एक बॉय का नेम लिखा है मैम ने। फिर दिल्ली प्लेस का नेम, ठीक है, दिल्ली, एक ही दिल्ली है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दिल्ली है, न्यू दिल्ली, है ना, बहुत सारे दिल्ली तो नहीं है, तो इसलिए ये हो गया स्पेशल नेम एंड इट्स नेम ऑफ अ प्लेस। तो इसको आपने देखा मैम ने डी कैपिटल से लिखा है, राइट, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल नेम है। फिर सिविल हॉस्पिटल, हर सिटी में एक सिविल हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है, तो उसका भी एक ही सिविल हॉस्पिटल होता है पूरे सिटी में, इसलिए उसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, फाइन। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल लिखा था सिर्फ, कोई हॉस्पिटल का नेम नहीं था, इसलिए वो कॉमन हो गया। पूरे जलंधर में तो कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, बट सिविल हॉस्पिटल सिर्फ वन ही है, ओनली वन सिविल हॉस्पिटल इज देयर। ठीक है, जनवरी, मंडे, फगवाड़ा, ठीक, एग्जांपल्स दिखी हैं आपने बेटा, गुड। ठीक है, सो ये चैप्टर आपने नेमिंग वर्ड, कॉमन नाउन, स्पेशल नेम्स वाला तो हमने कल ही किया था, ये आपने अच्छे से दोबारा रीड करना है। अब मंतेग ने लिखा है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब इसमें न्यू दिल्ली और इंडिया कैपिटल लेटर से है और ये हो गए स्पेशल नेम्स। ठीक है, अब आगे देखो, अब आप मुझे इसमें से आंसर्स ढूंढ के बताएंगे, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपने कल भी एक एग्जांपल की थी, हमारी बीच में रह गई थी जब क्लास फिनिश हो गई थी। सो टुडे यू विल डू राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, और जिससे मैम पूछेंगे वो बच्चा मुझे अभी बताएगा। ठीक है प्रणव, अब आप अनम्यूट करिए, सुना आपने ध्यान से, प्रणव अभी आपने सुना जो मैम ने समझाया, समझ आया आपको? अब आपने फर्स्ट सेंटेंस रीड करना है और मुझे इसमें से स्पेशल नेम ढूंढ के बताना है, बस। चलो रीड। मीना, M double N, मीना is O N G O I N G, going, going to school. Special name इसमें से कौन सा होगा first sentence में से? Meena is going to school. Is going to school. Special name क्या है? Meena. हाँ? Meena. Meena. Meena क्यों है? Why? Meena is going to school. गर्ल का नेम है, ओके, वेरी गुड। बट प्रणव आंसर तो आपने ठीक दिया, इसका मतलब आपको समझ आ गया, बट आपकी रीडिंग नहीं अच्छी कर रहे आप, है ना। अगर आप रीडिंग ही नहीं, डियर पेरेंट प्लीज डोंट इंटरप्ट, अगर आप रीडिंग नहीं ना कर पाओगे, देखो कितनी जगह मैम ने हेल्प करी है ना आपकी, तो फिर आप आंसर कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस करो और ओके।
डू मोर रीडिंग प्रैक्टिस, म्यूट योर सेल्फ. अब बेटा फर्स्ट सेंटेंस में मीना इज गोइंग टू स्कूल, तो सबने मीना मीना लिखा. आप और भी पता नहीं क्या आंसर्स लिखी जा रहे हो. हरमन सिंह दुसांझ, आपने सिर्फ वन टाइम आंसर लिखना होता है, एंड जितनी बारी आपने लिखा ना वो रॉन्ग है 5 times, क्योंकि एम स्मॉल लिखा आपने मीना का. मीना शुड बी विद कैपिटल एम, राइट. तो इस सेंटेंस में मीना इज गोइंग टू स्कूल में मीना है स्पेशल नाउन, स्पेशल नेम. इसमें कोई कॉमन नेम है? फर्स्ट सेंटेंस में कोई कॉमन नाउन है? स्कूल. वेरी गुड गुनाज. गुनाज ने, आई थिंक सवरीन इज फ्रॉम द आईडिया ऑफ गुनाज, सवरीन ने लिखा है. बट इसमें क्या ध्यान रखना है, एस शुड बी स्मॉल. मैम समवन इज अनम्यूट, प्लीज चेक हिमाक्षी की आईडी से शायद. क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस पेरेंट्स. सो फर्स्ट सेंटेंस अब ध्यान से देखो, इसमें मीना क्या है? स्पेशल नेम, क्योंकि एक गर्ल का नेम है. मीना एक ही गर्ल होगी ना, तो हमने कैपिटल लेटर से लिखा, वो बना स्पेशल नेम. बट इस सेंटेंस में मैम ने पूछा नहीं आपको कि कॉमन नाउन ढूंढो, बट मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. स्कूल, अब मीना स्कूल जा रही है, बट कौन से स्कूल जा रही है ये तो नहीं बताया ना, कि स्वामी संदास में जा रही है या कैम्ब्रिज में जा रही है या सेंट जोसेफ में जा रही है, एमजीएन में जा रही है, ये नहीं बताया. सो स्कूल वर्ड जो है, स्कूल हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि इसके स्कूल का नाम नहीं बताया इसमें, ठीक है. सो दिस यू हैव टू टेक केयर. फाइन. मान्या दुग्गल, नेक्स्ट सेंटेंस मान्या दुग्गल विल रीड. यस मैम. रीड करिए, आप डिस्टर्ब कर रहे थे ना हमें अभी. चलिए रीड. म्यूट. रीड नंबर टू. हाँ जी, वी आर वेटिंग. Where are you looking? Mumbai. Mumbai is the big. Can't read. See. बेटा आप लोग अभी भी attentive होके नहीं बैठते हो. गौरी बत्रा. रीड नंबर टू गौरी. मुंबई इज अ बिग सिटी. ओके, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मुंबई जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है. अब इसमें से स्पेशल नेम क्या है गौरी? मुंबई. मुंबई. व्हाई? व्हाई इज इट स्पेशल? सिटी का नेम है. इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है. पूरे इंडिया में एक ही जगह है जिसका नाम मुंबई है, तो ये हमने स्पेशल नेम दे दिया एक जगह को, इसलिए ये स्पेशल नेम हो गया. गौरी इस सेंटेंस में बेटा कोई कॉमन नाउन है? कॉमन नेम. मुंबई इज अ बिग सिटी में कोई कॉमन नाउन है? सिटी. सिटी. वेरी गुड, शाबाश. यू कैन म्यूट योरसेल्फ. देखा, अब मुंबई क्या हो गया? एक प्लेस का नाम. फर्स्ट सेंटेंस में पर्सन का नाम था, दूसरे सेंटेंस में प्लेस का नाम आ गया. और सिटी जो है वो कॉमन नाउन हो गया. कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि किसी भी सिटी का नेम नहीं है, ठीक है. बिग सिटी लिखा है सिर्फ. अब जलंधर सिटी भी हो सकता है, लुधियाना सिटी भी हो सकता है, ठीक है. तो सिटी वर्ड जो होता है वो हो गया कॉमन नाउन. थर्ड, आई वॉन्ट हिमांशी टू रीड नाउ. शी इज बिजी इन टॉकिंग. हिमांशी. हिमांशी. चलिए टाइम ओवर हो गया आपका. कशिश आप रीड करिए. कशिश रीड. आई कांट हियर यू बेटा, लाउडली बोल लो थोड़ा. ओके, राहुल इज अ डॉक्टर, एंड विच इज अ स्पेशल नेम इन दिस? राहुल.
राहुल, वेरी गुड, म्यूट योर सेल्फ. राहुल इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इसलिए राहुल हो गया स्पेशल नेम, और इस सेंटेंस में डॉक्टर जो राहुल. है वो हो गया कॉमन नेम. ठीक है, नेक्स्ट अरविंद, रीड करिए नंबर 4 क्विकली. पूसी. पूसी, हाँ जी. वेरी गुड, पूसी इज माई पेट कैट. नाउ विच वन इज अ स्पेशल नेम इन दिस? कैट स्पेशल नेम बेटे, पुशी. पूसी, तो कैट क्यों बोला आपने? हमने कैपिटल लेटर से ही पता चल जाना चाहिए हमें. पूसी इज पी कैपिटल, सो पूसी नेम है कैट का. ठीक है, सो दैट इज वाई ये एक नेम है ऑफ एन एनिमल, सो इसको हमने बोला स्पेशल नेम. अगर कैट होता तो कैट हो गया इस सेंटेंस में कॉमन नाउन. ठीक है, नेक्स्ट हु विल रीड नाउ? सुखजोत सिंह, नंबर 5 रीड करिए. द हवा महल इज इन जयपुर. इज इन जयपुर, द हवा महल इज इन जयपुर. सो विच वन इज अ स्पेशल नेम इन दिस सेंटेंस? हवा महल एंड जयपुर. हवा महल एंड जयपुर, टू है इसमें. वाई टू कैसे है? अच्छे से बैठिए. क्योंकि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं. क्योंकि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं. ओके, वैसे मैंने सुखजोत सिंह से पूछा था, बट आंसर आई थिंक जिस जोत ने दिया है ना. चलो इट्स ओके. द हवा महल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. जयपुर में एक बिल्डिंग है, ओके, पिंक कलर की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी. उसका नाम है बिल्डिंग का हवा महल. ठीक है, तो इसलिए एक बिल्डिंग का नाम हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों कैपिटल लेटर से लिखा, और जयपुर एक प्लेस का नेम है, सो वो भी हमने कैपिटल लेटर लिखा. सो इस सेंटेंस में हवा महल एंड जयपुर आर द स्पेशल नेम्स, एंड देयर इज नो कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस. ठीक है, क्वेश्चन में कॉमन नाउन पूछा नहीं था, बट मैंने आपको साथ साथ फिर भी समझाया ताकि आपको क्लियर हो. ठीक है, तो ये आपने आज दोबारा रिवाइज करना है, बुक में से दोबारा इसको रीड करना है. किसको? कॉमन नाउन को, स्पेशल नाउन को. उसके बाद हम आज रिवाइज करेंगे. मैम, हाँ जी बच्चे. यस, मेरी टर्न नहीं आई. टर्न नहीं आई, कल मैंने आपसे पूछा था, बट आप क्लास ओवर हो गई थी. चलो आप रीड कर दो अभी. ठीक है, आज हम एक कॉम्पोजिशन करेंगे, न्यू कॉम्पोजिशन, विच इज माय इरेजर. ठीक है, आपको जो भी कॉम्पोजिशन आएंगी ना पेपर में, सबरीन प्लीज वेट फॉर अ मिनट, आपको जो भी कॉम्पोजिशन आएंगी पेपर में, दैट विल बी ऑन स्टेज. बेटा अभी किसी ने अनम्यूट नहीं करना, प्लीज डोंट अनम्यूट लाइक दिस. जो भी आपको पेपर में कॉम्पोजिशन आएंगी, दैट विल बी ऑन स्टेशनरी आइटम्स. स्टेशनरी आइटम्स क्या होती हैं? पेंसिल, इरेजर, कलर्स, पेंसिल बॉक्स, स्केल. ठीक है, ये जो जिन चीजों से आप वर्क करते हो अपना, उसी टॉपिक पे आपको आएंगी कॉम्पोजिशन. ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं माय इरेजर की. इरेजर सबको पता है ना क्या होती है? यू ऑल यूज इट एवरी डे. सो नाउ सबरीन रीड. आई हैव इरेजर. आई हैव एन इरेजर. सबरीन, इस सेंटेंस में हमने इरेजर के आगे एन क्यों लगाया? Why? क्योंकि वो एक चीज है. एक चीज है तो अ भी लगा सकते थे हम. एन क्यों लगाया हमने? जानिश ने आंसर लिख दिया चैट बॉक्स में. वेरी गुड, राजवीर ने भी. सोचो एन किसके साथ लगाते हैं हम? वाला हरमन, दिस इज नॉट द वे टू गिव आंसर. सवरीन, वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? चाहिए? आई ओ यू. हाँ जी, तो इरेजर कौन से अल्फाबेट से लेटर से स्टार्ट होती है? ई से. तो ई एक वॉवल होता है ना, ए ई आई ओ यू, तो इसलिए हमने एन लिखा है. एन लगाया है. हाँ
जी ठीक है, म्यूट योर सेल्फ नाउ। तब आपको समझ आया सब बच्चों को, ये सबके लिए एक पॉइंट था कि आई हैव एन इरेजर में हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फाइव वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, जब भी उनके साथ कोई लेटर वर्ड स्टार्ट होता है हम एन यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया आई हैव एन इरेजर। मनतेग सिंह नेक्स्ट रीड करिए जल्दी से। मैम मेरी बारी नहीं आई। मैम ऐसे नहीं आएगी बेटे, यू आर ऑलरेडी शाउटिंग। अभी मैंने आपको पहले भी बोला कि माइक ऑफ रखिए। स्टार्ट मनतेग। व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो आपके पास इरेजर है मनतेग? डू यू हैव एन इरेजर? विच कलर इज यस इट? विच कलर इज इट? व्हाइट। व्हाइट, बट इरेजर और किसी कलर की भी हो सकती है ना। देर आर पिंक इरेजर ऑल्सो, ब्लू भी आती है, ब्लैक इरेजर भी आती है। सो हियर यू कैन चेंज ऑल्सो। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप व्हाइट की जगह कोई और कलर भी लिख सकते हो, जिस भी कलर की आपके पास इरेजर होगी। ठीक है, सो सेकंड सेंटेंस हमने इट से स्टार्ट किया है। अब इट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? इरेजर के लिए। हम बार बार इरेजर 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 नहीं ना लिखेंगे, हम उसके लिए इट यूज करेंगे। अब कि जो इरेजर है वो कलर क्या है उसका? वाइट कलर की। हिमाक्षी पर्पल के स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं, आपको अगर स्पेलिंग नहीं ना आते तो रॉन्ग नहीं लिखने बेटा। ओके, जिसके आते हैं वो लिख लो। जानवी रीड द नेक्स्ट लाइन। रीड बेटे। थर्ड नंबर, ये तो रीड हो भी गया, थ्री नंबर रीड करना है। हाँ हाँ बोलो। आप ध्यान से देख ही नहीं रहे हो, आप कुछ भी वर्ड बोल रहे हो। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? क्या लिखा है? रबर। रबर। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो इरेजर है वो किस चीज की बनी होती है? रबर की बनी होती है। रबर पता क्या होता है? रबर ट्रीज होते हैं, उनमें से एक लिक्विड निकलता है, उसका फिर रबर बनता है। उस रबर से कितनी चीजें बनती हैं आगे, जैसे टायर्स बनते हैं, आपके स्लिपर्स बनते हैं। ठीक है, कितनी सारी पाइप्स बनती हैं, रबर इरेजर बनती हैं। तो रबर एक चीज होती है, जैसे प्लास्टिक होती है, वुड होती है ना, रबर एक मटेरियल होता है, उससे आगे हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, सो ये जो इरेजर है वो किसकी बनी होती है? वो रबर की बनी होती है। जब हमने पेंसिल के ऊपर लिखा था, हमने लिखा था इट इज मेड ऑफ वुड। अगर स्केल लिखेंगे इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, अगर पेंसिल बॉक्स होगा इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, या इट इज मेड ऑफ स्टील। तो जिस भी चीज की वो चीज बनी हुई है, आइटम बनी हुई है, आपने वो लिख देना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मायरा विल रीड। मायरा वालिया। बेटा जल्दी से अनम्यूट करा करो अपना नेम सुन के। उज्जवल आप रीड करिए। इट इज ऑफ हाँ जी, लटराज कंपनी। वेरी गुड, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज मेड ऑफ नटराज कंपनी। इट इज ऑफ नटराज कंपनी का क्या मतलब हुआ? कैन यू टेल? मतलब कि ये लटराज कंपनी की इरेजर है। हाँ जी, वेरी गुड। आप इरेजर की पिक्चर देखो, यहाँ जो मैम ने शो की है उसके ऊपर लिखा हुआ है नटराज। ठीक है, जैसे हमने पेंसिल को लिखा था इट इज ऑफ डोम्स कंपनी, है ना, कि कौन सी कंपनी की बनी होती है? डोम्स की होती है, अप्सरा की भी हो सकती है, नटराज की पेंसिल्स भी आती हैं। तो ये तो आप इरेजर के ऊपर से देख के भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नटराज के स्पेलिंग्स नहीं आ रहे, आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो आप उसकी जगह डोम्स लिख सकते हो, कैमलिन लिख सकते हो। ठीक है, म्यूट योर सेल्फ बेटा, माइक ऑफ कर लिया करो। सो नटराज कंपनी मीन्स जिस कंपनी की वो बनी हुई है। इसमें एन क्यों कैपिटल लिखा है हमने? क्योंकि नटराज भी अगेन एक कंपनी का नाम है, स्पेशल नेम बन गया वो। ठीक है, तो इसलिए एन शुड बी कैपिटल। हिमाक्षी रीड नेक्स्ट। हिमाक्षी
कहाँ रीड कर रहे हैं आप? नंबर फाइव रीड करना बेटे, यू आर नॉट अटेंटिव. आई कांट हियर यू, म्यूट योर सेल्फ, योर वॉइस इज वेरी लो. इट कॉस्ट रुपीज फाइव. कई बच्चे जब ये लाइन लिखते हैं ना तो कॉस्ट लिखते हैं, सिर्फ कॉस्ट आना चाहिए, एस होना चाहिए कॉस्ट के साथ, ठीक है. रुपीज फाइव में आर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये करेंसी का नाम है. इंडिया में जो करेंसी चलती है रुपीज बोलते हैं ना उसको, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये लिखी है हमने क्योंकि उसके स्पेलिंग होते हैं आर यू पी डबल ई एस. फाइन, उसको हमने छोटा करके लिखा है आर एस, इसलिए उसके पीछे भी फुल स्टॉप होगा, एब्रीविएशन है, और फाइव के बाद जहाँ फुल स्टॉप अगेन बिकॉज द सेंटेंस इज फिनिशिंग. इस लाइन में बहुत बच्चे गलती करते हैं जब आप भेजते हो चेकिंग के लिए. सो यहाँ पे हमने कॉस्ट लिख दी है कि जो हमारी इरेजर है उसकी कीमत क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है, फाइव रुपीज है, ठीक है. नेक्स्ट व्योमा रीड करिए. आई डोंट नो हु इज अनम्यूट बट देयर इज कंटिन्यूअसली डिस्टर्बेंस. महीप सिंह, व्योमा रीड करो बेटा नेक्स्ट लाइन. टाइम विल बी फिनिश्ड, यू आर टेकिंग सो मच टाइम. इट इज स्मॉल इन साइज, मतलब इरेजर का साइज कैसा है, स्मॉल है, छोटा है. माय मदर ब्रॉट इट फॉर मी, यहाँ पे मदर की जगह आप फादर भी लिख सकते हो. ये सेंटेंस हमने पहले भी बनाया था, यूज किया था, ठीक है, कि कौन लेके आया था आपके लिए, मम्मा लाए थे या पापा लाए थे. आई इरेज मिस्टेक्स विद इट. अब पेंसिल के साथ हम क्या करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, बट इरेजर के साथ क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं. इरेज वर्ड आप इरेजर में से ही लोगे, ई आर ए एस ई, ठीक है. आई इरेज मिस्टेक्स विद इट, मतलब इरेजर के साथ हम मिस्टेक्स को इरेज करते हैं. आई